Good morning, student. Today we are going to discuss the topic properties of probability. In previous lecture, हमने discuss किया था about the probability and how the probability can be related with the information source. हमने कल define किया था. फिर हमने आपको ये भी correlate किया था random experiment क्या होता है, random variable क्या होता है. मैंने सारी चीजें मैंने आपको brief किया था. Then number of probability, just like individual probability, conditional probability, joint probability हमने explain किया था. फिर हमने Bayes rule के help से हमने उनके बीच के relation को भी define किया था. Now today first of all हम discuss करेंगे कि कुछ properties आपकी हैं probabilities की, जिसको हमें आगे use भी करना है और वो आपको जानना चाहिए. Now the topic is the properties of of probability. The first property is probability of any certain event is unity. That is PA is equal to 1, then in this case there is no information. In previous lecture कल हमने आपको explain भी किया था कि आपके जो information होती है वो inversely proportional to the probability होता है, जिसमें probability जिस event की होने की probability सबसे अधिक होगा उसमें हमारा information कम से कम होगा. सिमिलरली जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी वहां पे इंफॉर्मेशन सबसे अधिक होगा. और मैंने आपको ये भी डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है. मींस प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो होती है वो 1 के बराबर होती है. तो पहला पॉइंट आप यही कहना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सर्टेन इवेंट इज यूनिटी इफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू देन इन दिस केस देयर इज अ नो इंफॉर्मेशन. नाउ सेकेंड केस ऑलरेडी नोन, मैं बता भी चुका था अभी मैं, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपको यही बताया गया किस तरीके से आपकी जो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है. मीन्स मिनिमम वैल्यू 0 होती है आपकी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी वो 1 के बराबर होती है. एंड आफ्टर दैट थर्ड प्रोबेबिलिटी, probability of complement of A minus PA, where this is the complement of event A. Okay, इसमें बस यही बताना चाहा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई इवेंट आपका ऑकर हो रहा है और हमें मान लीजिए किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है, तो अगर आपको कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है तो आप सिंपली इसको 1 से माइनस करके आप उस ना होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन. मींस पी ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए. एंड आफ्टर दैट फोर्थ वन, इफ A and B are two mutually exclusive event, then P A plus B is equal to P A plus P B. यहाँ पे दो इवेंट लिया गया, यहाँ पे A और B दो इवेंट लिया गया और इसको बोला गया है these two event are mutually exclusive, means they are not independent to each other. Means ये independent है, means दोनों इवेंट हमारे अलग अलग आकर हो रहे हैं. उस केस में हम यहाँ पे एक P A B मतलब jointly probability को हम find कर सकते हैं और उसकी जो value होती है probability of A plus probability of B. Now, fifth one, if A and B are mutually
आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन इन दिस केस द फॉर्मूला पी ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो ये कुछ हमने फॉर्मूले यहाँ लिखा हुआ है. हमने दोनों केस कंसीडर किया हुआ है. जो आपका पॉइंट फोर है इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमारे दोनों ए या बी आर दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मीन्स ये डिपेंडेंट नहीं है, उस केस में आपका फॉर्मूला ये होगा. और जो फिफ्थ वाला पॉइंट है इसमें ये कहना चाह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो जहां भी दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट टू ईच के डिपेंडेंट टू ईच अदर होंगे उस केस में क्या होगा, हमारा ये टर्म पी ए बी दैट इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का टर्म आ जाएगा. तो हम यही सेम फॉर्मूला हमारा क्या चेंज आएगा, पी ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू बी. नाउ नेक्स्ट मैं सिक्स पॉइंट यही लिख देता हूं, आप वो चीजें क्लियर होंगी. दैट इज कंडीशनल probability probability of occurrence of event B when event A is already occurred. उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है P B is to A. Means यहाँ पे ये आपका conditional probability का फॉर्मूला होता है. यहाँ पे दो इवेंट आपको A and B लिया गया है, इसमें हम B की probability को find कर रहे हैं और जो हमारा event वो already हमारा वो occur हो चुका है. उस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा P A B upon P A, ये आपका है. ओके अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका और हो सकता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए अगर फाइंड करना है व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, उस केस में आपको एक फॉर्मूला होता है पी ए बी इज इक्वल टू पी ए बी अपॉन पी बी. तो ये आपके छह प्रॉपर्टीज रहा, हमने स्टार्टिंग से बताया. ये अगर ये आपको पूछा जाता है फाइव मार्क्स में राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो आप इसको राइट करेंगे. पहला हमारा ये हो गया कि किसी भी इवेंट की प्रॉपर क्या प्रोबेबिलिटी अगर यूनिटी है इन दैट केस देयर इज अ जीरो इन्फॉर्मेशन. सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1. एंड थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू द 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट. आफ्टर दैट हियर पॉइंट फोर, हियर वी आर यूजिंग द टू इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. इन दैट केस पी ए प्लस बी एक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. एंड फिफ्थ पॉइंट इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू बी. एंड आफ्टर दैट फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया. कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में क्या होता है कि हमारा एक प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी हम उसके ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं और दूसरे इवेंट ऑलरेडी हमारा वो ऑकर हो चुका है. तो सिमिलरली हमने आज राइट किया हुआ है पी बी टू ए इज इक्वल टू पी पी ए बी अपॉन पी ए. अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो वो आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टू द पी बी, इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी. वन मोर थिंग, हमने कल एक्सप्लेन भी किया था आपको बायस रूल के बारे में, वो भी आप जान लीजिए आप लोग. बायस रूल में फॉर्मूले में क्या है, पी ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ए अपॉन पी बी, ये फॉर्मूला है.
एंड और हियर वेयर पी ए बी एंड पी बी ए इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड पी ए एंड पी बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी. ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है किस तरीके से दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और दोनों प्रोबेबिलिटी जो है ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी को कोरिलेट किया गया है. और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आगे हम जब यूनिट 5 में जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड एंट्रोपी, ये सब चीजें आपको सारी पता होना चाहिए. ओके तो ये एक आपका बायस रूल था. एंड आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इज द रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल a function which can take on any value from the sample space and its range is some set of real number. तो इसमें थोड़ा सा आपको जानना है बेसिकली ये डेफिनेशन है क्या. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल बेसिकली जो हम डिफाइन करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए होता है. ओके तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में कल मैंने डिस्कस किया कि ऐसे प्रोसेस को जो बार बार रिपीट किया जाए एंड वी एट ईच टाइम वी गेट द रिजल्ट या वी गेट द आउटपुट. हमने कल बहुत सारे एग्जाम्पल लिया लाइक टॉस ए क्वाइन और सिंपली वी टेक डाइस सिंगल डाइस एंड थ्रो एंड फिर हमें ये पता है कि हमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. सिंपली इफ यू टॉस ए कॉइन हमें वहां पे हेड और टेल कोई भी हमें आउटकम वहां पे हो सकते हैं. ओके तो रैंडम वेरिएबल जस्ट लाइक ये एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. वो फंक्शन आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट पे होता है और वो एक वैल्यू को फाइंड करता है. वो एक वैल्यू एक जो वैल्यूज होती है ठीक है जैसे यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन विच कैन टेक ऑन एनी वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस. तो कल हमने आपको सैंपल स्पेस के बारे में बताया. सैंपल स्पेस बेसिकली होता क्या है जैसे कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो जितने पॉसिबल उसके आउटकम हो सकते हैं ऑल द पॉसिबल आउटकम लाई इन द सैंपल स्पेस. ओके अब जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं हम इन सैंपल स्पेस से कोई भी एक वैल्यू को लेते हैं और लेने के बाद वहां पे हम क्या करते हैं फ्रॉम सैंपल स्पेस हम उसको डिफाइन करते हैं एंड आफ्टर दैट उसकी जो वैल्यू की रेंज होगी ठीक है यहाँ जैसे लिखा हुआ है रेंज इज सम सेट ऑफ रियल नंबर. सम सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स हम जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उस जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एक आपकी रियल नंबर होगी ठीक है या सिंपली एक आपका सेट लाई करेगा कि यहाँ से यहाँ तक हमारी ये वैल्यूज हो सकती हैं. कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था हमने दो कॉइन को टॉस किया था और हमने डिफाइन भी किया था किस तरीके से आपके वहाँ पे रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया गया. या सिंपली हियर वी कैन से रैंडम वेरिएबल अगर हम डिफाइन करना चाहें इन द सिंपल वे सिंपली वी कैन से द रियल वैल्यू ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट
इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके, ये एक सिंपल आपका वे है. एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे किस तरीके से सिंबल्स का हम यूज करेंगे, मीन्स तो फॉर नोटेशन, अगर नोटेशन की बात करें, फॉर द नोटेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वी आर यूजिंग द कैपिटल ऑफ अल्फाबेट. Such as x, y, etc. Means हम यहाँ पे रेंडम वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हमने कैपिटल x एंड y यूज किया क्या. एंड आफ्टर दैट जो हमारी रियल वैल्यूज होंगी, वो रियल वैल्यूज भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, वो रियल वैल्यूज हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, तो उन रियल वैल्यूज को भी हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द अल्फाबेट. जस्ट लाइक अगर हम बात करें, एक हम ऐसे ले लूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्मॉल लेटर यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट के साथ. सबस्क्रिप्ट वो एक इंडेक्सिंग यूज करता है या नंबरिंग यूज करता है कि किस नंबर पर हमारी ये वैल्यूज हैं, मीन्स 1, 2, 3, 4 इस तरीके से यूज करते हैं. तो जैसे मान लीजिए हमने एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इंडिकेट कर लिया और हमने ब्रैकेट में बना लिया x1, x2, up to xn इस तरीके से. तो हमारे जो इनकी वैल्यू रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है, जो रियल वैल्यूज होती है, हम उसको इस फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं. तो अभी हमने सिंपली अगर मैं दिखाना चाहूँ या कहना चाहूँ कि हमारा ये वैल्यू, तो अगर हम बात करें टोटल हमारे यहाँ पे n वैल्यूज हैं जनरल फॉर्म में. अगर हम बात करें तो अभी हमने जो दिखाया हुआ है इस रैंडम वेरिएबल के टोटल आपके यहाँ n रियल वैल्यूज हैं. ठीक है, ये n आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन व्हाट विल बी द रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना होगा. तो आई थिंक सो आप लोग थोड़ा समझ में आया होगा यहाँ रैंडम वेरिएबल. तो सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करना चाहें रैंडम वेरिएबल, सिंपली इट इज द रियल वैल्यू ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो चीजें दिखाई गई हैं. और ये आपको जो फंक्शन हम बनाते हैं वो एक हम वैल्यू को लेते हैं. ठीक है, एक हम वैल्यू को लेते हैं और उस सैंपल स्पेस से, एंड आफ्टर दैट हम वहाँ पे, और इसका जो रेंज होता है हमेशा क्या होता है, एक सेट ऑफ रियल नंबर होता है. और हमने नोटेशन के लिए हमने ये दिखा दिया. तो आप इसको लिख भी सकते हैं सिंपल, यहाँ पे डेफिनेशन हमने राइट कर दिया हुआ है और बाकी सिंपल वे में डिफाइन करने के लिए और नोटेशन के लिए आपका ये होते हैं. एंड आफ्टर दैट अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पे. हम अगर हम एग्जांपल लेकर डिस्कस करें, फर्स्ट एग्जाम्पल टॉस टू कॉइन. हमने दो कॉइन को टॉस किया. ठीक है, एंड व्हाट विल बी इस सैंपल स्पेस, क्या होगा आपका सैंपल स्पेस, आपका जो होगा वो होगा दोनों पे, या तो हेड हो सकता है या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल, पहले बाद में हेड एंड दोनों पे टेल. ये टोटल आपके सैंपल स्पेस हो गया. ठीक है, अब हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना है. मीन्स हम एक फंक्शन लेंगे, एक वैल्यूज लेंगे हमारे इसमें से, एक वैल्यूज लेंगे और उसको देखेंगे वो वैल्यूज कहाँ से कहाँ रेंज करेगा. तो हमने आप रैंडम वेरिएबल हमने एक्स डिफाइन कर लिया, दैट इज नंबर ऑफ हेड. हमारे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हेड. ओके, तो अब नंबर ऑफ हेड हम बात करेंगे. हमने डिफाइन कर लिया कि जो आपके आउटकम है वो नंबर ऑफ हेड कितने आपके हैं. तो सिंपली अगर देखें, अगर हम पहला आउटकम हमारा ये है, इसमें नंबर ऑफ हेड हमारे 2 हो गए. ठीक है, एंड आफ्टर दैट एच टी में नंबर ऑफ हेड हमारा 1 हो गया, टी एच में नंबर ऑफ हेड हमारा 1 हो गया,
और टी टी में नंबर ऑफ हेड हमारा जीरो हो गया। ओके तो जो हमारी ये वैल्यूज आपकी निकल के आ रही हैं रियल वैल्यूज दैट इज रेंजेस फ्रॉम जीरो, जीरो है फिर आपकी वन है फिर टू है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रियल वैल्यू है। ठीक है तो आपने क्या माना था, आपने जो रैंडम वेरिएबल माना था वो नंबर ऑफ हेड को काउंट किया गया और उस नंबर ऑफ हेड के बिहाफ पे हम ये बता दिए कि इन कितनी रियल वैल्यूज होंगी। ठीक है तो अगर हम बात करें, अगर इसको सिंपली हम लिखना चाहें, ये आपका रैंडम वेरिएबल एक्स था और इसको हम लिखना चाहें इसकी जो वैल्यूज होगी आपकी 0, 1, 2 ये आपकी होगी। एंड आफ्टर ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया था, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। आप अगर 3 कॉइन को टॉस करो इस तरीके से तो वहां भी आप नंबर ऑफ हेड या नंबर ऑफ टेल्स को आप डिफाइन कर सकते हो। ओके और एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ, ये आई थिंक आपने एग्जांपल ये समझ में आया होगा जो बताया हूँ मैं किस तरीके से यहाँ पे रैंडम ये आपको रियल वैल्यूज दिख रही है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। एंड आफ्टर दैट सेकेंड एग्जाम्पल थ्रो ए डाइस, हमने डाइस को थ्रो किया हुआ है। ठीक है और ऑब्वियस ये बात है जब डाइस को थ्रो करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल दीज आर द सैंपल स्पेस। अब हमें यहां से अब यहां पे कुछ वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा रैंडम वेरिएबल को। जैसे हमने मान लिया नंबर ऑफ ऑड नंबर, नंबर ऑफ ऑड नंबर हमने रैंडम वेरिएबल क्या मान लिया, हमने कि जो भी आउटकम आएगा उस आउटकम में कितने नंबर ऑफ ऑड हैं, कितने नंबर ऑफ ऑड हैं। सिंपली अगर हम देखें अगर आपका आउटकम 1 आता है तो 1 में ये हमारा एक ऑड नंबर है और कितने नंबर ऑफ डिजिट है, ये आपकी वैल्यू हो गई 1। फिर 2 में 2 हमारा एक इवन नंबर है कोई नंबर ऑफ ऑड नहीं है 0। आफ्टर दैट 3 में हम देखें ये आपका 1 हो गया, 4 में आपका ये 0 हो गया, देन 5 में आपका ये 1 हो गया और 6 में क्या हो गया आपका ये 0 हो गया। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से ये आपकी इस वाले में सिर्फ दो ही वैल्यूज आपकी फाइंड हो रही हैं 0 और 1। ठीक है अगर हम इसमें लिखना चाहें इसमें हमारा जो रैंडम वेरिएबल जो हमारा एक्स है इसमें हमारी जो वैल्यूज होंगी वो 0, 1 होंगी, 0, क्या होगा वो 1 होगा। तो आई थिंक सो ये दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे चीजें आपको दिखाई गई हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और लूंगा, टॉस 3 कॉइन, उसमें कुछ चीजें आपको बतानी। आई थिंक सो अब आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में समझ में आ रहा है रैंडम वेरिएबल बेसिकली हमारा है क्या। एंड आफ्टर दैट वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल थर्ड हमने लिया हुआ है और थ्रो टॉस 3 क्वाइन देन व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हम बारे में बात करें तो आपका ये हो सकता है कि आपके तीनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आए 2 पे टेल आए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल आए, देन पहले 2 पे आपका टेल हो गया और बाद पे आपके क्या हो जाए वो हेड हो जाए, एक तो ऑप्शन ये आपका बनता है। एंड आफ्टर दैट या तो आपका तीनों पे टेल आए या पहले पे टेल आए
बाकी दो पे हेड आए आपका, या पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए बाकी लास्ट में हेड आए, एंड लास्ट पहले दो पे हेड आए आप लाभ पाइए। टोटल देयर इज एट आउटकम, ये आपके क्या होंगे एट पॉसिबल आउटकम व्हेन वी टॉस द थ्री कॉइन को, हम जब टॉस करेंगे तो आपको टोटल आपके एट आउटकम बनेंगे। ठीक है, अगेन अब हमें यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स को फाइंड करना है। एंड वन थिंग मोर, अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लें, इन ईच आउटकम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1/8 सारे में होना आपको है, क्योंकि बिकॉज अगर मैं आपसे ये बोलूँ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑन ऑल द थ्री कॉइंस, तो अब क्या होगा वो 1/8 होगा। फॉर्मूला आपको पता है प्रोबेबिलिटीज का, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ हमारे आउटकम कितने होंगे, हमारे टोटल हमारी जो काउंटिंग दिख रही 8 आपकी काउंटिंग है वही हमारा क्या हो गया, तो 1/8 हो गया। तो इन ईच केस फॉर गेटिंग द दीज आउटकम हियर इज द प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8। ओके, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन रैंडम वेरिएबल, हमने रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन किया हुआ एक्स, हमने इसको बोल दिया दैट इज द नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड हम यहां भी लेके चल रहे हैं। तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ हेड हमारे कितने हैं, हमारा 3 है, दूसरे वाले केस में हमारा 1 है, तीसरे वाले केस में भी 1 है, चौथे वाले केस में भी 1 है, इस वाले केस में आपका 0 है, इस वाले केस में आपका 2 है, इस वाले केस में आपका 2 है, इस वाले केस में आपका 2 है। ठीक है, तो ये आपने नंबर ऑफ हेड्स लिख दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें जो रैंडम वेरिएबल जो आपका जो x है, x की कितनी वैल्यूज होंगे आपकी 0, 1, 2, 3, ये हो गया आपका। ठीक है, मीन्स आपको दिख रहा है आपने रैंडम वेरिएबल जो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स को माना हुआ है, तो टोटल नंबर आपके यहाँ वैल्यूज कितनी हो गई, 4 हो गई, दैट इज रेंज फ्रॉम 0, 1, 2, 3। एंड आफ्टर दैट अब कुछ मुझे आपको और भी चीज बताना है किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको ध्यान देना है, या उस रैंडम वेरिएबल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें वो देखना है। ठीक है, उसको हम ऐसे राइट करते हैं, हमने x की वैल्यू 0 फिर हमने लिख दिया, x की वैल्यू 0 मतलब क्या है आपका नंबर ऑफ हेड हमारे क्या है 0 है, तो इसके मतलब इसको क्या कहते हैं ये रैंडम वेरिएबल होने के लिए, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी इन दैट केस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल इन दैट केस इज इक्वल टू आपको क्या होगा वो 1/8 होगा। एंड आफ्टर दैट पी एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपकी 1 हो, तो आपको दिख रहा है टोटल आपके यहाँ पे 3 है, 1, 2, 3, इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी आपकी 1/8 + 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 3i/8। तो आपको याद होगा जो आपका जो प्रॉपर्टी था आपका प्रोबेबिलिटी का जो फोर्थ वाला था, मीन्स अब आपके यहाँ पे ये तीन आउटकम है। ठीक है, तीनों आउटकम दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल अगर हम लिखना चाहें कि अगर हम ज्वाइंटली देखना चाहें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन तीनों के एक साथ, तो क्या होगा हमने तीनों अलग अलग ऐड कर दो, 1/8 + 1/8 + 1/8। After that, px is equal to 2 में क्या होगा आपका ये दिख रहा होगा, टोटल यहाँ पे 3 है, 1/8 1/8 और 1/8, इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक लास्ट आपको और बच रहा है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 मीन्स क्या आपका कि हमारा ये सिर्फ एक ही आकर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आपकी है 1/8। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, आपकी जितनी रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज थी अलग अलग वैल्यूज की, हमने प्रोबेबिलिटी को राइट कर लिया हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको दिख रहा है 1/8 3/8 3/8 एंड फाइनली 1/8। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करें, इफ यू ऐड ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज, अगर आप इसको ऐड करेंगे 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 एंड वी गेट 8/8 इज इक्वल टू 1, मीन्स हियर जो रैंडम वेरिएबल की जो टोटल रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी वो 1 के बराबर होगी।
तो सिमिलरली इसके पहले जो भी हमने एग्जाम्पल पहले लिया इसके पहले, उन दोनों केस में हम ऐसे फाइंड करें, देख सकते हैं किस तरीके से रैंडम वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी को राइट किया गया, फिर उसको ऐड किया गया, और उसको ऐड करने के बाद हम ये बता सकते हैं उनकी वैल्यूज हमेशा वन होगी। ठीक है, तो बेसिकली अच्छी मैं आपको जरा और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, जैसे चीजें लिखी गई हैं किस तरीके से और लिख सकते हैं हम इनको है। जैसे यहां पर है, जैसे हमने आप x इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको x1 भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वन को हम x2 लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू टू को हम x3 लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू थ्री को हम x4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन होता है, ठीक है, ये आपको नोटेशन होता है, और इसको हम लिखना चाहें प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, मीन्स p ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 बाई 8 हो गया, p ऑफ x2 इज इक्वल टू 3 बाई 8 हो गया, p ऑफ x3 इज इक्वल टू 3 बाई 8 हो गया, एंड p ऑफ x4 इज इक्वल टू 1 बाई 8 हो गया। इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। तो आगे जब यूनिट 5 में जब न्यूमेरिकल्स में आप जाएंगे तो वहां पे चीजें आप इस तरीके से लिख कर आएंगी, ठीक है ना, इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज लिखा होगा। और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आगे आप लोग कोडिंग टेक्निक पढ़ेंगे, जब कोडिंग टेक्निक में आपको यही ध्यान देना है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज गिवन होगी, और आपको बहुत सारे कोडिंग टेक्निक है, मीन हफमैन कोडिंग या सैन फाइन कोडिंग, तो आपको वो कोडिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना होता है कि इनका जो सम होता है वो वन के बराबर होना चाहिए। अगर ये वन के बराबर नहीं है, मीन्स क्वेश्चन में कहीं कहीं आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे करेक्ट करने के बाद ही हम इनके एल्गोरिथम या उसको हम चीजों को अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या है रैंडम वेरिएबल के बारे में। हमने आपको रैंडम वेरिएबल बहुत उसमें डिस्क्राइब कर लिया है, और फिर भी बता दें किस तरीके से रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं या फाइंड करते हैं। और नाउ टुमारो लेक्चर हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द रैंडम वेरिएबल, जस्ट लाइक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टू द टॉपिक। ओके, थैंक यू।